हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की किताब रिमझिम से कक्षा 5 का पाठ 4 नन्हा फनकार पढ़ेंगे। यह नन्हा फनकार कहानी एक नन्हे बालक की है, जो अपने काम से, अपने कलाकारी से बादशाह अकबर को भी बहुत प्रभावित करता है। आप लोगों को यह कहानी सुन के बहुत मज़ा आएगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कहानी नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े पर घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार पर पत्थर का जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराज भी अपने अपने कामों में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम करना सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाला घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस, बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई न पड़ी। इसलिए अचानक उसके कानों पर एक आवाज पड़ने से वह चौंक गया। माशाअल्लाह, यह घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या आपको मैं पत्थर पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा। देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। अच्छा 10, वह आदमी पास पड़े पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई का हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मझोला था, वह सफ़ेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी मोतियों की माला और अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, किसी के तेजी से दौड़कर उसने आवाज़ सुनी आने की। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। वह मुड़कर भौचक खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़ा हो, हजूरी आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुक कर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हथौड़े हाथ से गिर गई और वह जल्दी उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं है बादशाह अकबर तो नहीं, यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी
फली न लगी। उन्होंने खींच कर पहलेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, पर वह अब डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है, अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे, उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम भी करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर ही बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर को देखा। हुजूर, क्या आप सब ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, केशव सब सक पका गया। दरअसल मैं कहना चाह रहा था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, यह ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और छेनी हथौड़ा पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना, ऐसे, उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखना, वरना किरचे उड़कर आंखों में चले जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर, जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे थे। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को तराश ही नहीं रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ भी रहा था, जिससे वह डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे, हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार यह महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनाऊँगा। इन कारखानों में सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे, चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव बड़ी उत्सुकता से पूछा। केशव ने, मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली, केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों पे नींद कहाँ। वह धीरे धीरे अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से ही इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों
बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, वे फिर वे सीकरी में यह महल क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा में बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, शहजाद सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो बच्चों, यह थी केशव की नन्हे फनकार की कहानी। आपको अच्छी लगी ना? सभी बच्चे इस कहानी को बार बार सुनेंगे और अपने घर में भी सुनाएंगे। इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों के साथ हम जल्दी ही दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।